गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और कुछ दिन में हम लाइव क्लास जाएंगे यूट्यूब से। ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। दो तीन दिन में उम्मीद है मौसम ठीक हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे और ये सब चीज पढ़ लेंगे वहीं पे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब और लाइक्स वगैरह करते रहिएगा ताकि हम आपको पढ़ा सके। तो देखिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें हम लोग डायरेक्ट एग्जाम लेवल की बात करेंगे। जैसे नंबर का मतलब अब सम संख्या विषम संख्या ये सब नहीं बताएंगे अभी, ये सब कभी बाद में देख लेंगे। डायरेक्ट हम लोग जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है ना वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं लेकिन देखने में आपको बहुत कैलकुलेटिव लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन होगा ही नहीं एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फॉर्मूला पर आधारित होते हैं। तो कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में पहला फॉर्मूला हो जाएगा हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसी का माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यही चीज एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी को थोड़ा सा क्यूब के रूप में देख लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख के भी आपको दिखा सकता था लेकिन बोल इसलिए रहा हूं कि सुनने से बहुत कुछ याद हो जाता है, लिखने से याद हो जाता है, तो इसलिए उसको मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर इसी रूप में और भी फॉर्मूला होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और एक होगा ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग इसी के आधार पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो पॉज करके फिर इसको आप लिख लीजिएगा, ताकि मैं आपको एक दो फॉर्मूला और आगे बताता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक और दे देते हैं, इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जब कभी भी पूछेगा आंसर दो होगा। एक और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में ए बी, तो इसका आंसर हमेशा चार होगा और इसका आंसर दो होगा। जैसे जब कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो इसका आंसर हमेशा दो होता है। आप उसको बनाइए या ना बनाइए, अगर आप इस फॉर्मूला के फॉर्मेट को समझ गए तो आंसर आपका दो होगा। मैं लिख रहा हूं इसीलिए ना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो ये सब आपको दिखेगा, को ये तो वही फॉर्मेट पर लिखा रहा है इसलिए लिख रहा हूं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में अगर ए बी करके रहे तो उसका आंसर हमेशा चार होगा। तो आप इसको लिख लेंगे, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है
और हम लोग यहाँ बेसिक से भी कह सकते हैं, और एग्जाम लेवल का मतलब यहाँ जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम लेवल का ही डायरेक्ट आपको पढ़ा दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8965 इंटू 974 प्लस 8965 इंटू 26। अब यहां अगर देखा जाए तो ये अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम अगर इसको नहीं पढ़े रहते त्रिकी मेथड से, तो क्या करते, पहले इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, यानी इसको गुना करते और इसको गुना करते और फिर जोड़ देते। तो सोचिए कितना टफ है इतना मल्टीप्लाई यानी गुना करना एग्जाम में। ये क्या है, ये प्लस माइनस के साइन पर दिया हुआ क्वेश्चन है ये, यानी यहाँ प्लस माइनस की जानकारी आपसे पूछ रहा है कि आपको प्लस और माइनस की जानकारी है कि नहीं। अगर प्लस माइनस की जानकारी हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। तो कुछ लोग सोचेंगे कि प्लस माइनस का इसमें क्या रोल है, तो प्लस माइनस का ही रोल है, क्योंकि नियम कहता है कि अगर कोई चीज जो सेम संख्या हो, कोई भी एक ही संख्या हो जो दो तरफ हो, दोनों तरफ हो, और उसमें प्लस या माइनस लगा हुआ हो, प्लस या माइनस लगा हुआ हो और सेम संख्या हो, तो याद रखिएगा कि प्लस होगा तो भी माइनस होगा तो भी, अगर एक ही टाइप का संख्या दो जगह है तो उसको कॉमन लिया जाता है। प्लस होगा तो भी कॉमन लेंगे, माइनस होगा तो भी कॉमन लेंगे। तो यहां पर देखिएगा ये दोनों सेम है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो 8965 आपने कॉमन लिया तो बचा आपके पास ये वाला, आप इसको तो उठा चुके हैं, प्लस का साइन है प्लस यूज कीजिए, और यहां पर 26 बचा इसको उठाइए आप। अब यहां पर देखिएगा 8965, लेकिन ये देखिए तो 1000 यानी 1000 बन गया, इसका मतलब हुआ कि 8965 इंटू 1000 यानी 1000 है, तो ये हमारा आंसर हुआ 8965 पर 000, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसमें क्या किया, यही किया कि जब कभी भी सेम संख्या प्लस या माइनस के बाद आपको दिखाई दे, जब कोई सेम संख्या प्लस या माइनस के बाद अगर आपको दिखाई दे तो आप दोनों को कॉमन लीजिए, और जब दोनों को कॉमन आप ले लेंगे तो जो बचेगा ये, और जो प्लस हो या माइनस हो साइन के अनुसार लिख दीजिए, उसको जोड़िए मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए और काटिए, तो यहां पर आपका आंसर हो गया यानी 8965 पर 000, ये हमारा आंसर हुआ। हम लोग क्वेश्चन अब सेकेंड देखेंगे, दूसरा नंबर कहता है कि 947 प्लस 396 का होल स्क्वायर कीजिए माइनस 947 माइनस 996 का होल स्क्वायर बटा में 947 इंटू 396। अब यहां पर क्या है कि अगर हम इसको जोड़े और फिर स्क्वायर करें, और इसको घटाएं और फिर स्क्वायर करें, और फिर इसको भागा में दें, और इसको हम गुना करें, और गुना करने के बाद इन सब पर भागा दें, तब आंसर आएगा। अब आप बताइए क्या हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, सब मुश्किल है क्योंकि कहां से कर पाएंगे। एक तो ये आएगा, मान लीजिए कि कुछ सिंपल आ सकता है, लेकिन फिर वहां घटाने पर कोई जरूरी नहीं कि सिंपल आए, और यहां से जोड़ के स्क्वायर करना, घटा के स्क्वायर करना, फिर इन लोगों को घटाना, फिर गुना करना, तब जाकर के भाग देना, वो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मेट पकड़ेंगे कि ये अगर इसको मैं ए मानू और इसको बी, तो ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए बी, बटा में ए बी। अभी मैंने लिखवाया आपको फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए इंटू बी जब कभी भी हो, तो हमारा आंसर सीधा कितना होगा, चार होगा। आंसर हमारा चार हो गया, क्यों, क्योंकि मुझे अभी फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए बी करेंगे तो आंसर कितना आता है, चार आता है। अब कुछ लोग का मन में होगा कि ऐसा क्यों आता है, तो देख लीजिए इसको मैं बता देता हूं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए बी, अगर ऐसा रहे तो चार कैसे आता है, तो पहले इसको तोड़ लीजिए आप। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये माइनस साइन है, माइनस रहने दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो गया। और बटा में कह रहा है कि ए बी तो है ही है। अब चाहे तो एक स्टेप आप लिखें या फिर ये काम करें कि आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, और ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा हुआ है तो ये ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो ये माइनस इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। इसका मतलब जो माइनस होगा उसको प्लस कर देगा और जो प्लस होगा उसको माइनस कर देगा। तो एक स्टेप और लिख ही देता हूं, जो कि कंपटीशन के स्टूडेंट को जितना ज्यादा आप लिखने से बचें वही आपके लिए फायदा होगा। आप लिखने का प्रयास कम से कम करिए। हाँ देखिए, ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, और माइनस मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और बटा में मेरे पास ए बी है। देखिए तो प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी, तो फोर ए बी हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए वो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा हमारे पास दो और दो चार, चार ए बी दिखेगा यहाँ। हाँ तो यहां आपके पास आएगा फोर ए बी, और बटा में ए बी तो आपके पास है ये था, ए बी से ए बी खत्म, आंसर हमारा फोर आया, और ये हो गया आपका प्रूफ। इसलिए जब कभी भी हमसे पूछेगा, यहां केवल ध्यान रखिएगा इस माइनस की वजह से, ये माइनस लेकिन ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया, जो जुट सकता था जुटे, काट दिया, आंसर आया फोर। अब आप यहां पर कैलकुलेटर से आप इसको जोड़िए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर भागा दीजिए, आंसर चार ही आएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो कहता है कि 846 प्लस 487 का होल स्क्वायर प्लस 846 माइनस 487 का होल स्क्वायर बटा में 846 गुने 846 प्लस 487 गुने 487। अब हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि इसको जोड़े स्क्वायर करें, जोड़े घटाएं स्क्वायर करें, फिर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करें, मल्टीप्लाई यानी गुना करें और जोड़े, तब जाके डिवीजन दें, भाग दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए तो यहां 846 846 487 487, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर मैं इसको ए मानू और इसको बी, तो अगर इसको ए मानू और इसको बी मानू तो इसका मतलब होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब भी पूछेगा आपका आंसर टू होगा, दो होगा, कितना होगा, दो होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। तो ये है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहना ज्यादा जरूरी है, याद अगर है तब तो ज्यादा बेहतर है, आप ऐसे ही आपका पेन कभी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। तो देखिए टू ए बी प्लस माइनस टू ए बी कट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर यानी टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी टू बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर बचा हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि टू ए स्क्वायर प्लस में टू बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। फिर से प्लस माइनस का केस आ गया, आपको बताया गया है कि अगर प्लस या माइनस कोई भी साइन हो और अगर सेम चीज दोनों तरफ दिखे तो उसको आप कॉमन लीजिए। तो यहां देखिएगा टू दोनों तरफ है तो टू कॉमन लीजिए, बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप इसको और इसको काटिए, देखिए आंसर दो ही आया, ये भी हो गया आपका प्रूफ। तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को हर चैप्टर में अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस आप अपना मेहनत करने के लिए तैयार रहें, घर पे खूब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें। चलिए ठीक है, तो फिर ध्यान रहे कि आपको क्या काम करना है।